हमारी दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं उसी के बाद अधिगम कैसा होना चाहिए, एनएपी ने क्या कहा कि कैसे लर्निंग होना चाहिए, तो सबसे पहले कहा है कि समग्र लर्निंग होनी चाहिए। जब आप आजकल बार बार एक जिक्र आ रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस शब्द का प्रयोग किया गया, तब से इस पर सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा, जब आप भारतीय ज्ञान परंपरा में दार्शनिक चिंतन के बारे में बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर हम कहें भारतीय इतिहास का जनक कौन है तो सारे हॉल में बैठे हुए कोई व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी, सभी लोग हेराडोटस का नाम लेंगे विदेश का। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें ज्ञान को बांट करके पढ़ने की परंपरा नहीं रही। जब फिलोसफी पढ़ेंगे तो वहां पे आपका आएगा कि ज्ञान समग्र होता है। हम उसका बंटवारा करते हैं कि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये साइंस का पार्ट है। भारतीय ज्ञान परंपरा में सिर्फ एक चिंतन रहा गया है, आत्मचिंतन, स्वयं के बारे में। जब हम स्वयं के बारे में आते हैं तो समग्र चिंतन करते हैं। वही बात एनपी में कही गई कि अधिगम समग्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी हम केवल भूगोल में पढ़ेंगे, पानी विज्ञान में नहीं पढ़ेंगे, पानी हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। पानी तो हर जगह पढ़ना है और एक ही पानी पढ़ना है जो हमारी प्यास बुझा सके। तो ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान को बंटवारा करके इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सके, उसमें मास्टरी हासिल कर सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 में अधिगम के इस विषय में जरूर फोकस किया गया है कि ज्ञान समग्र होना चाहिए, ज्ञान एकीकृत होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। आप जब महात्मा गांधी की शिक्षण पद्धति को पढ़ते होंगे तो वहां पे आप पढ़ते होंगे कि हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ कैसे जोड़ें। उन्होंने अपना जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उन्होंने जो बताई, जो शिक्षण विधि बताई है, उसमें एकीकृत शिक्षण की बात की गई। उसमें यही कहा गया है कि अगर मान लीजिए हम रुई के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो रुई का उत्पादन कैसे होता है, तो हम उससे कृषि पढ़ा देंगे बच्चे को उत्पादन के लिए, रुई के उत्पादन के लिए जो कपास उसकी खेती किस तरह की मिट्टी में की जाती है, किस तरह की जलवायु की जाती है, कपास का हम अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र बच्चे को पढ़ा दें। कपास से रुई, रुई से फिर धागा, धागा से कपड़ा बनाने की क्या प्रक्रिया है, इसको हम पढ़ा दें। तो यानी एक ही विषय को जब हम एक टॉपिक को उठा रहे हैं तो उसमें सारे विषयों का समायोजन हो जाए, एकीकृत हमारी शिक्षा प्रणाली हो, अधिगम एकीकृत होना चाहिए, आनंददायी। अगर आप शिक्षक बन के जा रहे हैं और आपकी क्लास में अगर बच्चा जम्हाई ले रहा है, ऊंघ रहा है, तो इसका मतलब दोष बच्चे में नहीं है, हमारी शिक्षण पद्धति में, हमारे कंटेंट में, हमारे पढ़ाने के तरीके में, हमारे उदाहरण में। तो जब तक बच्चे को आनंद नहीं आएगा, एक दिन आनंद आ गया फिर अगले दिन आपको खोजेगा इस सब कहां गए, फिर रुचिकर होना चाहिए। आनंद आएगा अगर बच्चे को पढ़ने में, तो कौन बच्चा ऐसा है जो बचपन में चाहता है कि हम स्कूल जाएं, तो हम एकदम कठिन काम कर रहे हैं। कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, अब कोई बच्चा माता पिता को छोड़ के स्कूल नहीं आना चाहता है। तो जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को स्कूल भेज देती है, ये समझिए। इसीलिए बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 में कहा गया कि हमें स्कूल में घर जैसा वातावरण बनाना पड़ेगा, स्कूल का अनुशासन घर जैसा अनुशासन होगा, घर का कोई संविधान नहीं होता है, एकदम टाइम से घर पे जाते हैं, हमें ये पता है कि हम लेट से पहुंचेंगे तो क्या हो सकता है। ऐसी न्यायपालिका घर में बैठी है जिसमें एफआईआर नहीं होगा, दलील नहीं होगी, सिर्फ जी हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे शिक्षा पद्धति के बारे में कहा गया है, इससे दोस्तों को उजागर किया गया, जिसके बारे में थोड़ा सा फिल्टर का नोट डाउन इसको किया है। कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है मर्ज में डॉक्टर देख के ठीक हो जाता हमारी शिक्षा पद्धति कैसी है, रटन है, हम रट करके याद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं चीजों को याद कर लें। जितना आज सबसे बढ़िया विद्यार्थी कौन है, जो ज्यादा परिभाषा याद कर ले, स्कीनर की भी जिसको याद हो वो सुवर्ण की याद, वो अच्छा विद्यार्थी है। उस परिभाषा का क्या मतलब है ये जानना ज्यादा जरूरी है, प्रोसेस क्या है।
कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा, जैसा कि मैंने कहा, ये दूसरी बात इसमें जिक्र आया हुआ है कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है जिसमें बिना कोचिंग किए काम नहीं चल रहा है। इसीलिए कहा गया आगे कि मूल्यांकन हम ऐसा करेंगे कि एक सामान्य बच्चा जो प्रतिदिन क्लास में जाता है बिना किसी अलग प्रयास किए वह अच्छा पोजीशन प्राप्त कर सके। इसीलिए कोचिंग संस्कृति को कम करने की बात कही गई है। बच्चा 12th में है और सपना इंजीनियर का है, तो रूसो ने जो कहा कि छोटे बच्चे को हम वयस्क मान के पढ़ाते हैं, ये मान के चलते हैं कि भविष्य का डॉक्टर आज ही इसको ट्रीटमेंट सिखाओ, तो ऐसा नहीं करना है। इस बात को 1992 में बनी तो उन्होंने कहा शिक्षा बिना बोझ के हो, बच्चे के बस्ते का वजन कम करो। तो कोचिंग संस्कृति का बढ़ावा देकर के हम स्कूल का जो नोट्स है उसके साथ साथ कोचिंग का नोट्स, तो हम बच्चे का वजन दूना कर रहे हैं, बोझ बढ़ा रहे हैं। कहा कि जो वर्तमान में कोचिंग का कल्चर है वो हमारे संकुचित टैलेंट तैयारी को बढ़ावा दे रहा है। बार बार फोकस करने के कारण मैथ इंग्लिश साइंस पढ़ पा रहा, वो हिंदी की काव्यात्मकता को नहीं समझने दे रहा है, समाज को कैसे समझना है हमारे और बाकी विषयों पर वो ज्यादा जोर नहीं देने पा रहा है, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो मैथ भी तेज होनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, तब अच्छा माना जाए। भोजपुरी बोल के आप अच्छा नहीं हो सकते, आपके माता पिता जो घर में भोजपुरी बोलते हैं वो अच्छे इंसान है। अच्छा इंसान कौन है? जो टाई बेल्ट लगा करके सूट बूट पहन करके अंग्रेजी बोलते हैं, कॉन्वेंट कल्चर। इसके बाद कहा गया है मूल्यांकन के विषय की बात हो रही है ना, उच्चतर जोखिम होता है हमारे परीक्षा पद्धति में। कैसा जोखिम है? 1929 में अटल कमेटी ने कहा था कि हम बच्चे को अपव्यय और अवरोधन से बचा लें, तो आज वो जोखिम कम नहीं हुआ है, लगभग लगभग हम 95 वर्ष आगे आ चुके हैं वहां से, 2024 में जी रहे, तो अभी भी जोखिम कम नहीं हुआ है। एक बार अगर आप फेल हो गए तो साल भर की क्या होगी? बेकार। इसीलिए कहा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव नहीं होगा। समेटिव होने से क्या दिक्कत होगी? साल भर की मेहनत बेकार। इसलिए सतर्क होगा, व्यापक, और लास्ट में क्या कहा? अत्यधिक दबाव। फाइनल एग्जाम में बुखार आ गया तो साल भर की मेहनत बेकार, तो ऐसा नहीं करने देना। ये कहता है कैसा होना चाहिए मूल्यांकन, उस पर आते हैं। कह रहा मूल्यांकन होना चाहिए सतत, नियमित, पर डे हमारा बच्चा स्कूल में आ रहा है। मैंने कई बार में आपको को ये करके सुना है कि विशाल तुमको बहुत पढ़ने में ठीक ठाक नंबर कैसे कमाया था, तो हमने कहा एक तो याद करने नहीं आता, दूसरा लिखने नहीं आता। एक तो याद करके रटना नहीं आता है और दूसरा राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, बोलना आता है। तो सतर्क होना चाहिए और नियमित होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। हम अभी एक नया मूल्यांकन पद्धति आया, नवाचार की जो बात हो रही है कि हम किताब के साथ बच्चों को कैसे शिक्षा दें, परीक्षा में हम किताब के साथ बच्चे को लाओ कर बैठना। अगर हम कहेंगे कि तुम लोग किताब लेकर के अपनी परीक्षा दो, तो फिर नकल करने की कोई गुंजाइश है? जो चीट लेकर के बच्चे आते हैं, अभी मैं फ्लाइंग स्क्वाड में चल रहा था महाराज गोविंद राज विश्वविद्यालय की से, तो ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पद्धति तो हम ही है शिक्षक उससे, तो हम अपनी ही बुराई कैसे कर सकते हैं। रचनात्मक होना चाहिए। रचनात्मक मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि हम जो नकल कल्चर वाला विद्यार्थी है उसको भी अगर किताब दे दिया जाए, वो पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो किताब भी दे देते तो खोज नहीं पाएगा, अगर पढ़ा रहेगा तो नहीं खोज पाएगा ना। तो सब पुस्तक परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन का एक नवाचार है कि आप जब जाएंगे तो आप कोई भी पाठ्य पुस्तक लेकर के जा सकते, लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, इस टाइप का प्रश्न नहीं। प्रश्न कैसा होगा? नवाचार युक्त होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगले 10 साल बाद किस पोजीशन पे पहुंचेगी, क्या अपेक्षाएं हैं? आपने नीति तो पढ़ लिया है, अपेक्षाएं के लिए आप क्या करेंगे? अपना दिमाग लगाएंगे। तो जब तक अपना नहीं लगाएंगे परीक्षा पास